ये बहुत अच्छा सवाल है। ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग सब बड़ी बड़ी बातें हम लोग कर रहे हैं, मगर ग्राउंड वाटर इतना कंटैमिनेटेड है, उसके ऊपर मैंने पिछले हफ्ते मंत्री जी से सवाल किया था। मंत्री जी ने कहा मेरे पास जवाब नहीं है, ये तो नहीं कहा मैंने, उन्होंने कहा मैं लिख के आपको जवाब दे दूँगा। मंत्री जी को कहना चाहिए था कि मेरे पास इस वक्त जवाब नहीं है, मैं लिख के दूंगा। वो जवाब अभी तक नहीं आया, आप तय कर दीजिए कि कब तक आएगा। माननीय महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है भूजल की गुणवत्ता के बारे में, उनका प्रश्न है। भूजल गुणवत्ता की देश में नियमित आधार पर निगरानी हो रही है। कुछ स्थानों को छोड़कर पंजाब सहित देश में भूजल काफ़ी हद तक पीने योग्य बना हुआ है। पंजाब सहित देश के कुछ स्थानों पर नाइट्रेट, आयरन, आर्सेनिक, क्लोराइड और भारी धातुओं की मात्रा स्वीकार्य सीमा के अधिक पाए जाने की सूचना भी मिली हुई है। उपचार के लिए भी हाल ही में भूजल गुणवत्ता निगरानी के लिए एक SOP जारी किया गया है। भूजल में किसी भी प्रकार की गुणवत्ता प्रभावित जानकारी केंद्रीय एवं राज्य एजेंसियों को सूचित की जा रही है। आर्सेनिक सुरक्षित कुआ डिजाइन विकसित कर राज्य सरकार के साथ साझा किया गया है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत गुणवत्ता प्रभावित गांव के लिए अतिरिक्त निधि का विशेष प्रावधान भी इसके अंदर किया गया है। इसमें अतिदोहित इकाइयों को वर्ष 2017 में 1186 17% इकाइयों से घटकर अभी तक 736 यानी 11% इकाई हो गई है। जो क्रिटिकल इकाइयां हैं उसमें से 313% इकाइयों से घटकर अभी 3% इकाइयां ही बची है। सभी क्रिटिकल इकाइयां वर्ष 2070 से 972 इकाइयों के घटकर खर्च 2023 में 698 इकाइयों हो गई है। सुरक्षित इकाइयां 2017 में 4310 से बढ़कर वर्ष 2023 में 4793 हो गई है।